शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 86 केंद्रों पर कुल 13,427 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,971 और सेकेंड डोज लेने वालों में 5,456 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, एम्स, मेडिकल कॉलेज सहित सीएससी पीएससी सहित 86 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि वैक्सीनेशन कराते समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तथा भीड़ भाड़ में जाने से बचें और मास्क लगाकर ही वैक्सीनेशन कराएं। उन्होंने कहा कि इस वक्त वायरल बुखार से बचने के लिए घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें और फुल आस्तीन का कपड़ा पहने ताकि हम डेंगू जैसे बीमारी से बच सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे ज़िले में 86 जगहों पर टीकाकरण किया गया, जिसमें कि 2 महिला स्पेशल, 2 अभिभावक स्पेशल के साथ साथ हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज महिला पुरुष दोनों चिकित्सालयों में, एम्स में, साथ साथ हमारे 20 अर्बन सीएससी और 20 रूरल सीएससी के साथ साथ छोटे हमारे सेंटरों पर भी वैक्सीनेशन किया गया। आज का हमारा लक्ष्य 37,500 का था और काफ़ी मात्रा में लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। अभी पोर्टल पर इंटर हो रहा है तो अभी तक हम 20,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। सर, जनता से हमारी अपील है कि जनता, अभी कोरोना नहीं गया है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ज़रूरी है। जब भी आप निकलें तो मास्क लगा के निकलें, भीड़ भाड़ से बचें और वैक्सीन सबको लगनी है। अपना समय का इंतज़ार करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, जिस इसी से हम कोरोना को मात दे सकते हैं।